ये देखो सुबह सुबह न्यू न्यू हेयर कट करवा के नहा भी लिया और अब देखो इतनी गर्मी में भी रजाई लेके लेटा हुआ है, इतनी ठंड लगती है इसको। कौन सी मूवी देख रहा है? तुलसीदास जूनियर, पता नहीं कौन सी है, बट नेटफ्लिक्स पे आ रही थी, संजय दत्त देखा मैंने, क्लिक कर लिया, अच्छी है मूवी। पता नहीं कौन कौन सी नई से नई मूवी देखता रहता है। एक बात बताओ, वो सारा सामान क्या पड़ा हुआ है इसका? ये लेके आओ ना। कल बच्चे आए थे। कौन से बच्चे? किसके बच्चे? कैसे बच्चे? बच्चे क्या होते हैं? अब किसी के बच्चे थे, मुझे क्या पता किसके बच्चे, कोई कौन था? बच्चे होते क्या हैं? बच्चे होते क्या हैं? जो तुम छोटे छोटे थे बच्चे, तू भी बच्चा ही पैदा हुआ था, तू तो कोई इतना तो बड़ा थोड़ी है। तू तो अभी भी बच्चा ही है रोहित, तू बड़ा जरूर हो गया पर तू अभी भी बच्चा ही है। लेकर तो आओ, क्या है दिखाओ तुझे। देखो तेरे लिए कुछ स्पेशल था, कहती निश्चय भैया के लिए लेके आए हैं हम स्पेशल। ये तो टेडी बेयर है। टेडी बेयर ही लग रहा है। हाँ देखो टेडी बेयर है, मैं टेडी बेयर से खेलता हूँ। तूने अभी बोला ना मैं बच्चा हूँ। वो है मिक्की माउस। मिक्की माउस है वो, कितना क्यूट है। ओह मुझे मिक्की माउस मिला, बड़े टाइम बाद है ना। ये तुम्हें जब तुम छोटे होते थे तुम्हारे बंकर बेड पे भी ऐसे छोटे छोटे मिकी माउस हमने रखे हुए थे, सेम ऐसे ही छोटा सा। ये बड़ा है ना, वो छोटा था तब तुम छोटे थे, अब तो बड़ा हो गया। क्या तुम एक चुन्नी चाहोगी? किलो किलो। सच में ये बड़ा जरूर हो गया, लेकिन अभी भी छोटा ही है, बच्चा ही है ये। मैं हूँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा हो जाऊंगा तो बोले तुम जब बच्चे होते थे तभी सही थे, अब तो तुम बड़े हो गए हो, बच्चे रहो तो ए, तू तो रोहित है। बताओ सीधा कोई मिल गया अगर रोहित बना देते हो तो बड़ा हो गया है। ये नया हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है इसको, है ना, पहले इतने ज्यादा बड़े बाल करे हुए थे। मैंने उसको बोला मेरे को पूरा चिकना कर दे एकदम पूरा। आज तो जिम गया मैं, मेरे को वो हो रहा था, मैंने कहा एक घंटे बाद वापस आ जाता है, ये आया ही क्यों नहीं वापस। 11 बज गए, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा नोनू तो आया ही नहीं अभी, कह रहे वो जिम गया हुआ है, उनको पता ही नहीं कि तू जिम गया है। फिर फोन करा तेरे को तो तूने बताया कि मैं हेयर कट करा रहा हूँ। लेफ्ट लेग ऊपर आगे, राइट लेग पीछे पीछे, यार अलर्ट स्टार्ट हुए। चलो इसको एक और मिल गया टॉय खेलने के लिए। पर बहुत क्यूट है यार, इसकी देखो लाते कितनी प्यारी है। कपड़े देखना, बहुत क्यूट है यार। ओए इसका फेवरेट गाना ये देखो, यहाँ भी चल रहा है सारा दिल लगा के यही। देखो मैं ना वैसे बता रहा हूँ, देखो जैसे ना आपको पता है सिद्धू मूसेवाला कौन है? सिद्धू मूसेवाला और करण औजला दोनों बहुत बड़े राइवल है, ठीक है? दोनों ही अच्छे लगते हैं तेरे को, ठीक है? तो अब लोग आधे लोग जब लिखते हैं ना, जब मैं करण औजला को करण आता हूँ वो करण का फैन, फिर सिद्धू वाले गुस्सा हो जाते हैं, फिर मैं कहता हूँ सिद्धू का करण आता हूँ ओहो सिद्धू का फैन, करण भाई वाले गुस्सा हो जाते हैं। भाई दोनों ही अपने फेवरेट भाई। ये मेरा फेवरेट अंडररेटेड बंदा है थोड़ा, ये हरमन हुंडल। ओहो क्या सिंगर है, मजेदार। अन करो गाना, मैं आपको आज करवाता हूँ अनबॉक्सिंग। गिफ्ट आए गाइस, ये गिफ्ट हमारे को किसने भेजा है? नाम लिखा ही नहीं हुआ, दो बच्चे थे, ट्विंस, ट्विंस लड़कियां थी, वो आई थी। क्यूट बच्चे गिफ्ट दे जाते हैं। हाँ, नोनू को भी बहुत अच्छा मिक्की माउस, उसको तो बड़ा ही पसंद आया। और ये देखते हैं क्या है इसमें, ये भी मिक्की माउस है क्या? हाँ, मेरे को भी मिल गया। वाओ, सेम है ये, उसको भी यही आया है सेम। मैं हूँ मिक्की, याद आ गया मिक्की माउस। मेरे को बचपन में बस पसंद था ना मिक्की माउस। हाँ। मिक्की माउस, मिनी माउस सारे रखे होते हैं, डोनाल्ड डक, और फिर उनकी लड़ाई करवाता था WWE। हाँ। मिक्की चप्पल पर गया। कोई नहीं, रखिए इसको, प्यार है। जिसने भी दिया थैंक यू सो मच, कमेंट सेक्शन में बताओ किसका है।
अब ये आया है हमारे को, ये भी यही बच्चे लेके आए थे भाई, इतने सारे गिफ्ट क्यों लाए? 25th बर्थडे देने वाले। हाँ मैंने बोला था, मैंने कहा इतने सारे गिफ्ट। ओहो जेंगा, मम्मी जेंगा कॉम्पिटिशन हो जाए इसके बाद। हाँ अगर इस वीडियो पे आप दोगे 2,00,000 लाइक्स तो मम्मी के साथ करेंगे जेंगा कॉम्पिटिशन। मैंने खेला था जेंगा और वीडियो भी डाली थी मैंने। भाई इतने गिफ्ट का मैं क्या करूँ। मग ये है, ओहो मार्बल। आशीष सर, आशीष भैया, चंचलानी साहब को देना चाहिए। तो मैं पहले क्या करता, आशीष हाँ। चंचलानी सर आफ्टर एवरी मार्बल मूवी। अच्छा ये भी मेरे को लग रहा है मुझे। अच्छा जिसका भी है मम्मी उसने फोन नंबर लिखा हुआ है। हाँ वो नहीं, फोन नंबर तो मैंने उनका रखा हुआ है, वो देके गए थे, वो सेव करा हुआ है। बात करनी है इन्होंने तुम्हारे साथ। ये हमारी पार्टी हो गई है। ओ तो ठीक है, अब हम ये सारे गिफ्ट रख लेंगे। बस ये आशीष भैया, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाए तो अपना एड्रेस दे देना या मग आपको। बस दैट्स इट, दिस इज माय फेवरेट। तो इसकी वजह तरफ से आप सभी को चुम्मा। गिफ्ट अभी बाकी है, एक ये गिफ्ट रह गया था जो उसने अभी खोलने थे, लेकिन ना वीडियो रिकॉर्ड करते करते एकदम से शॉकिंग न्यूज आई। अभी तो हम वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहे थे और रिकॉर्ड करते करते ही मतलब न्यूज आई, सिद्धू मूसेवाला शूट डेड। तो अभिषेक तो बस एकदम से शॉक्ड हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे होता ना कि तुम किसी को लाइक करते हो और उसकी ऐसी न्यूज आ जाए तो वो बिलीव ही नहीं होता, तो उसको बिलीव ही नहीं हुआ, लेकिन उसका मूड अपसेट हो गया। तो मतलब ऐसे होता है ना कि लेडीज तो ऐसी सिचुएशन में रो रो के अपना मन हल्का कर लेती हैं, लेकिन जेंट्स तो रो भी नहीं सकते ना। उसका हो गया मूड अपसेट। भगवान सिद्धू मूसेवाला की आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को इतनी हिम्मत बख्शे कि वो ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाए और इस दुख को सह पाए। आपने वो सुना सिद्धू मूसेवाला? हाँ स्ट्रीम करने लगा था ना जब, तो स्ट्रीम बस स्टार्ट होने से 5-10 मिनट पहले ये न्यूज लाइक व्हाट्सएप पे फोटो वगैरह भेजी सबने मेरे को। मैं सच बता रहा हूँ, मैं स्ट्रीम ऐसा करने से पहले 10 मिनट तो सदमे में था कि ये कैसे हो सकता है। मतलब पहले तो मैं बिलीव ही नहीं कर रहा था, फिर मैंने यूट्यूब पे न्यूज वगैरह चैनल जो होते हैं वो चेक करा लाइव, फिर वो शो कर रहे थे, तब तो मैंने लाइक कन्फर्म मेरे को हुआ कि भाई ये सच है, न्यूज फेक न्यूज नहीं है। उसकी वो वीडियोस आ गई थी ना जो, एक तो इतनी लाइक शॉकिंग चीज थी ना कि लोग आसपास खड़े होके वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे, मेरे को तो इतना बुरा लग रहा था ना। एंड ऊपर से सबसे लाइक शॉकिंग बात ये है कि एक इतना पॉपुलर बंदा, इतना बड़ा सेलिब्रिटी, अगर ऐसे बीच सड़क में उसके साथ ऐसा हो सकता है तो फिर नॉर्मल इंसानों की तो क्या ही है। मुझे पता क्या पॉपुलर, मेरे को सीरियसली रात भर ऐसा ना मेरे दिमाग में बस वही चले जा रहा था। हाँ। एंड सबसे बड़ी बात है अब्बू सबसे बड़ा फैन है। अब्बू ऐसा हाँ। बोलता है कि मेरे को लाइक किसी के कॉन्सर्ट में जाओ ना जाओ बस सिद्धू मूसेवाला के कॉन्सर्ट में जाना था। मैं जवान तेरे